नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2018 की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, और उसी सीरीज़ में हम लोगों ने 130 प्रश्न तक देख लिए थे। आज हम लोग 131 और 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों जो आज का प्रश्न है वो जीएस थर्ड पेपर का प्रश्न है, और 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग आंसर राइटिंग अब बिल्कुल डेली स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। और होगा या नहीं होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट संभवतः आज आएगा या कल आएगा, जब भी आएगा, ठीक है। और जो भी होगा आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रहिए, ठीक है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों एक काम ज़रूर किया करें कि अगर आपको मेरा कार्य अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। और शेयर ज़रूर कर दिया करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। जिस समय हम भारत के जनांकीय लाभांश को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉब का बेसब्री से इंतज़ार है वे कहाँ से आएंगी, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दो चीज़ों को आप लोगों को बताना है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझा करिए, ठीक है। और प्रश्न में पूछा क्या है कि जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो हम लोग जनसांख्यिकीय लाभांश को बड़ा अच्छे से प्रदर्शित करते हैं, कि हमारे यहाँ बड़े शान से बोलते हैं कि हम विश्व के दूसरे नंबर की जनसंख्या वाला देश है, हमारे देश में इतने लोग हैं। तो ये पहली लाइन में बात कही गई है। दूसरी लाइन में क्या कहा है कि उस समय हम रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअंदाज करते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही है कि जिस समय हम ये बात बोलते हैं जनसांख्यिकी लाभांश को, तो रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअंदाज करते हैं। इसका अर्थ यही है कि हम जो रोजगार है, ठीक है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है हमारे देश में, इतनी अच्छी कार्यशील जनसंख्या होने के बावजूद भी, तो उसको हम नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है। तो क्या हम ऐसा जो काम कर रहे हैं इसमें कोई चूक कर रहे हैं? भारत को, अब देखिए पहला प्रश्न तो आप लोगों को कारण बताने हैं, दूसरा क्या, भारत को कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से आपको ये चीज़ें जो जॉब है या जॉब क्रिएशन है वो किस सेक्टर से आएगा या कहाँ कहाँ से आएगा। तो इन चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से जवाब देना है, ठीक है। और दोस्तों जो प्रश्न लिखना है, जैसे मैं डेली ही बताता हूँ कि आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट या हेडिंग नहीं डालनी है, और कुछ डायग्राम का या डेटा का उनको चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। इनको आप ऐड कर सकते हैं, डेटा को, डायग्राम को, और जो कीवर्ड हैं कीवर्ड को आप लोग हाईलाइट जरूर किया करिए। कोई कोटेशन है या कोई अच्छे विचारक की लाइन है तो उसको आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है और कंक्लूजन पार्ट है। तो तीनों में आप अगर एक एक कोटेशन या कोई अच्छी लाइन डाल देते हैं, या मूवी के जो बोल हैं दो चार लाइनें अगर डाल देते हैं, तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से देखने के बाद आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे जनसांख्यिकी लाभांश, हमारे यहाँ नो डाउट जनसांख्यिकी लाभांश है, जिसको हम बड़े शान से भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा करने में रोजगार योग्यता की जो पतनशील दरें हैं हम कहीं उसको तो नहीं हटा रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है। देखिए विश्व में दूसरे नंबर की जनसंख्या वाला देश है हमारा, पहले नंबर पर चाइना है, ठीक है, और सेकंड नंबर पर हमारा देश है भारत। अब हमारे यहाँ वर्तमान में कार्यशील जनसंख्या जो कहलाती है वो 15 से 64 वर्ष की कहलाती है। तो ये कार्यशील जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अच्छी खासी मात्रा में है। तो जो एक होता ना जनांकी लाभांश, तो हम जनसंख्या के लाभांश, हम जनसंख्या को एक किस तरीके से उसका हम लाभ ले सकते हैं, ठीक है।
तो हम किस तरीके से क्या करें जो हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है उसको हम उसकी जो क्षमता है उसका उपयोग हम उत्पादन की मात्रा में करें। और जब उत्पादन की मात्रा में करेंगे तब हमारे जो देश का जीडीपी है वो और अच्छा होगा, हमारा देश प्रगति करेगा। ठीक है, तो जनसंख्या किस तरीके से, जनसंख्या को हम किस तरीके से उससे हम लाभ ले सकते हैं, जो कार्यशील जनसंख्या है, युवा हैं, तो हम उनसे किस तरीके से उनकी क्षमता है, जैसे जो कार्य करने की क्षमता है या सीखने की क्षमता है, जो युवा कार्यशील हैं उनको किस तरीके से कुशल बनाया जाए जिससे हम उनका जो एक जनांकीय लाभांश है उस लाभांश को ले सकें। ठीक है, तो अब देखिए रोजगार सृजन में कम होने के कारणों को देख लेते हैं कि आखिर हमारे यहाँ इतनी आखिर जनसंख्या है तो उसका हम लोग लाभ क्यों नहीं ले पाते हैं, हम क्यों उससे अधिक प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं, देश के जीडीपी में क्यों योगदान वो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, कारणों को देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारे यहाँ शिक्षा। देखिए शिक्षा जो है वो वर्तमान समय में चाहे आपकी प्राथमिक शिक्षा हो, प्राथमिक से लेके जो उच्च शिक्षा तक है उसकी गुणवत्ता बहुत निम्न है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत से लोग आज की डेट में भी पढ़े लिखे नहीं हैं और जो पढ़े लिखे भी हैं वो कार्य कुशल नहीं है, कोई एक स्किल नहीं जानते। तो क्या है, यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है उसको बहुत अच्छा करना होगा, जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाना होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है शिक्षा का, एजुकेशन का। अब देखिए रोजगार परक शिक्षा का अभाव, हमारे यहाँ जो शिक्षा दी भी पहली बात तो बहुत कम लोगों तक ये पहुँच रही है, और जैसे जो उच्च संस्थानों में जो लोग रहते हैं या उच्च वर्ग में रहते हैं, उच्च वर्ग का अर्थ यही है कि आर्थिक रूप से उच्च वर्ग में, ठीक है, तो उनके लिए क्या है जो शिक्षा है वो लोग शिक्षा ले लेते हैं, लेकिन जो शिक्षा लेते हैं वो भी रोजगार परक उतनी नहीं होती है। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा रीज़न है कि प्राइमरी से लेके जो उच्च शिक्षा है वहाँ तक एक रोजगार परक शिक्षा को प्रदान नहीं किया जाता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो परंपरागत चीज़ों को बताता है, एक रोजगार परक शिक्षा को नहीं बताया जाता। जैसे आप प्राइमरी से पढ़ते हैं तो रोजगार किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से आप स्वरोजगार कर सकते हैं, अगर ये चीज़ें हमें बेसिक से लेके हायर लेवल तक अगर हमें पता लगेंगी तो हम अच्छे से कार्य कर सकेंगे। ठीक है, और क्या है कि शिक्षा सभी वर्गों को समान नहीं है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, वर्ग का मतलब ये है कि गरीब, अमीर और मिडिल क्लास के लोग। ठीक है, और जैसे कुछ समुदायों के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, तो हमारे संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन व्यवहारिक चीज़ों में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, आप आज भी गरीब तबके लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, तो वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता। उच्च वर्ग के पास में ही जो अच्छी शिक्षा है, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, वही दे पाते हैं। आज की डेट में भी अगर आप देखते हैं जो हमारे प्राथमिक विद्यालय होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स, तो उनकी जो स्टैंडर्ड है वो आज की डेट में भी अच्छा नहीं है। जो प्राइमरी के जूनियर के जो शिक्षक हैं उनका वो पढ़ाना ही नहीं चाहते, और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग पढ़ाते भी हैं जिनके अंदर इच्छा शक्ति है, कुछ करना चाहते हैं देश के लिए या लोगों के लिए, तो वो लोग करते भी हैं। ठीक है, और क्या है कि जैसे एक कारण और है कि हमारे यहाँ आर्थिक सामाजिक विभेद भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आर्थिक और सामाजिक रूप से हमारे यहाँ समाज में हर तरीके से, जैसे आप अच्छे पैसे वाले हैं तो आपके साथ में किस तरीके से ट्रीट होता है, ठीक है, और आपको बढ़ाने के लिए ही आपके लेवल का आदमी आपको आगे ले जाएगा, लेकिन अगर कहीं कोई छोटा इंसान है या जो गरीब इंसान है या वंचित तबके का इंसान है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं कोई ले जाता। तो ये हमारे यहाँ एक आर्थिक सामाजिक विभेद बहुत ज़्यादा है। और क्या है कि एक श्रमिक प्रशिक्षण रोजगार अवसर, इसका क्या अर्थ है कि हमारे यहाँ जो श्रमिक हैं उनको हर महीने या हर 6 महीने में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। पहली बात तो उनको प्रशिक्षण ही नहीं मिलता जो रोजगार परक होना चाहिए, जो ऐसी अब वर्तमान में बहुत सारी योजनाएं सरकारों के द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी
आखिर हम लोग जो जनसांख्यिकी लाभांश है उसको हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। उसका सीधा सा अर्थ यही है, सीधा सा तात्पर्य यही है कि जो श्रमिक प्रशिक्षण है उसको अच्छी तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। जैसे जो लोग प्रशिक्षण लेने भी जाते हैं तो वो पैसा पहले लेते हैं। अब वहाँ पर पैसा जिसके पास नहीं है तो वो प्रशिक्षण किस तरीके से लेगा, वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जा पाते। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या हमारे यहाँ है लेकिन उसका हम लोग उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ कुशलता का अभाव, जैसे स्किल की एक होता है ना कि कुशलता, स्किल का अभाव हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे आप टैलेंट, आप कोई ना कोई रोजगार परक शिक्षा आप या कोई स्किल आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आपको कोई कंपनी या जो एक संगठन है वो आपको अपने यहाँ नौकरी पर रख सके। अगर आपके अंदर कोई नॉलेज या ऐसा कोई टैलेंट नहीं होगा या कोई ऐसी स्किल नहीं होगी तो फिर किस तरीके से वो करेगा। तो वो सब सारे लोग असंगठित क्षेत्र में, ठीक है, जॉब करने के लिए नहीं, वहाँ पर अपना खुद का एक बिजनेस चलाने के लिए फिर मजबूर होते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ यही है कि अगर हमें डेवलपमेंट अच्छे से करना है, हमारे देश को अच्छे से डेवलपमेंट करना है, तो उन सारी चीज़ों को जो लोग हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग, संगठित क्षेत्र के लोग, दोनों लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। जैसे जो असंगठित क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं वो और इफ़िशेंसी के साथ में कर सकें, और जो संगठित क्षेत्र में कर रहे हैं वो और भी अच्छी तरीके से कार्यों को निष्पादित कर सकें। तो ये चीज़ें हैं। और क्या कारण है हमारे यहाँ रोज़गार कम होने के? तो देखिए, हमारे यहाँ जो नक्सलवाद है, क्षेत्रवाद है, अलगाववाद है, तो ये सारी चीज़ें, एक सामाजिक चीज़ें, ये समाज पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। लोग देखते हैं, जो युवा लोग हैं, युवा लोग देखते हैं कि देखिए हमारे ही देश के लोगों के बीच में किस तरीके से वैमनस्य फैल रहा है। और लोगों में एक इतनी है कि एक बिजी होना, कि जैसे 10 चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, सुबह से आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, अच्छा हाँ, तो आप फिर दोपहर तक या शाम तक आप कुछ अन्य चीज़ नहीं सोचेंगे ना, आपके दिमाग में वही चीज़ें चलेंगी कि देखिए हाँ कि क्या किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, युवाओं के मन में एक कहते ना इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट नहीं हो पाते। ठीक है, एक रचनात्मकता नहीं आ पाती, उन चीज़ों के बारे में वो लोग सोच भी नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ की। और क्या है कि हमारे यहाँ लैंगिक विभेद भी पाया जाता है, कि जैसे जो युवा कार्यशील में भाई दोनों लोग आते हैं, आपका महिला भी आते हैं और पुरुष भी आते हैं, तो यहाँ पर अगर महिलाओं के साथ में विभेद किया जाएगा, लैंगिक विभेद, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना हमारे देश के युवाओं के लिए। युवाओं में दोनों आते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, तो ये लैंगिक विभेद हमारे यहाँ रोज़गार को कम करने में सहयोग करता है। तो हमारे यहाँ लैंगिक विभेद को भी कम करना होगा। और क्या है कि सरकारी प्रयासों में भी भ्रष्टाचार, जैसे सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण के बहुत सारे योजनाएं चलाई हैं, ठीक है, और प्रोग्राम भी चलाए हैं, अभियान भी चलाए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल लाभार्थी है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। और जब वहाँ तक पहुँचता नहीं तो दिक्कत यही होती है कि जो पूर्ण योजना चली थी किसी लाभार्थी के लिए वो वहाँ तक पहुँची ही नहीं। तो आप रोज़गार के जो अवसर मिलने थे वो रोज़गार के अवसर मिले नहीं। तो भाई सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति को जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, जो रिसोर्सेज या जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं, तो वो क्या है, वो फिर क्या करेगा? वो जो हम लोग एक डेमोग्राफिक डिविडेंड लेने की बात कर रहे थे, तो वो फिर नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो सरकारी प्रयास बहुत सारे किए गए हैं लेकिन उनमें भी व्याप्त भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो रोज़गार हैं उनमें कमी आ रही है। तो अब भारत को क्या करना है, या भारत को कौन से ऐसी जॉब्स हैं जिनका बेसब्री से इंतज़ार है? ठीक है, तो देखिए उपाय हैं रोजगार सृजन हेतु, जो भारत को कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सेक्टर से जॉब्स आ सकती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र जो होता है,
इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो इन दोनों सेक्टरों में क्या करना होगा कि निवेश की मात्रा बढ़ानी होगी, नए नए उद्योग लगाने होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज़ डालनी होगी, और जो विदेशी निवेश है उसको भी आकर्षित कराना होगा। जो हमारे यहाँ के नियम कानून हैं उनको भी बिल्कुल सरल एवं अच्छा करना होगा। ठीक है, और क्या है, और कौन सा सेक्टर है हमारे यहाँ? देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो अभी पर्याप्त रूप में विकसित नहीं है, तो हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी संभावनाएं हैं। पर्यटन में है, जैसे देखिए पर्यटन हो गया और खाद्य प्रसंस्करण हो गया, तो ये दोनों की दोनों इंडस्ट्री जो हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो देखिए औद्योगिक और विनिर्माण, ये हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, तो इनको तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, प्लस जो और नई नई इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी हमें बढ़ावा देना होगा। इनके हर तरीके से जो इनके लिए संगठन कार्य कर रहे हैं उनको और बढ़ावा देना होगा कि किस तरीके से वो आगे बढ़ें, या कोई कंपनी कार्य कर रही है इस पर तो उसको भी आगे प्रोत्साहित करना होगा। और क्या है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के साथ हस्तशिल्प को भी प्रोत्साहित करना होगा। तो हमारे यहाँ देखिए MSME के द्वारा बहुत सारे जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है और भी सारी चीज़ें। तो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं, इनके साथ में हमें क्या करना होगा, जो हस्तशिल्प होते हैं, हस्तशिल्प, तो इनके प्रोडक्ट को भी बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। ठीक है, और लोगों को आकर्षित करना होगा, जो हाथ से बने आइटम हैं उनको और भी ज़्यादा, जो हस्तकला है उसको भी विकसित और ज़्यादा अच्छे तरीके से करना होगा। ठीक है, और क्या है कि जो हमारे यहाँ युवा हैं, युवाओं को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करना होगा कि आप अपना खुद का बिजनेस करें। ठीक है, तो ये ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को अच्छी तरीके से रोजगार के सृजन मिलेंगे। जैसे कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाता है, तो उस एक व्यक्ति के फैक्ट्री लगाने से उसमें कितने वर्कर काम करेंगे, मिनिमम 50, 60, 100, तो इतने सारे लोगों को तो वो जॉब देगा ना। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रशिक्षित करना होगा। और क्या पॉइंट है कि शिक्षा है वो समय के अनुसार होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो परंपरागत शिक्षा है उसी को चलाना चाहिए, नहीं, हमें समय के अनुसार अपने एजुकेशन सिस्टम, जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम है उसको भी बदलना होगा, और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप वहीं रखिए, लेकिन कुछ आगे की चीज़ें आप ऐड करिए, समय के अनुसार, प्लस गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, जो चीज़ हो सही हो, प्लस आपकी इफ़िशियंट हो। ठीक है, और शिक्षा ही बेसिक चीज़ है, और रोजगार परक शिक्षा को भी आपको एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल बेसिक लेवल से डालना होगा। और क्या है कि जो रोजगार परक शिक्षा है इसको भी आगे बढ़ाना होगा, और राष्ट्रीय युवा नीति को भी क्रियान्वित करना होगा, जिसमें युवाओं के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय, जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय युवा नीति चल रही है, तो उसको भी आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोगों को 200 वर्ड में लिखना था। ठीक है, 200 वर्ड में लिखना था, इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं। कुछ पॉइंट्स अगर आपने भी कहीं से भी पढ़ा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को लिखे, लिखने के बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग भेजिए, और मैं जो भी उत्तर मेरे पास आते हैं तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर, मेरा सॉरी PCS अकेडमी का चैनल है, ठीक है, PCS अकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो वहीं पर मैं सारे के सारे उत्तर जो भी मेरे पास आते हैं आप लोग भेजते हैं तो मैं वहीं पर आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों GS ऑप्शनल, सॉरी GS का ग्रुप चल रहा है, 1, 2, 3, 4, और हिंदी प्लस SA, इसमें 6 के 6 पेपर कवर कराए जा रहे हैं। और जिन लोगों को भी GS का ग्रुप ज्वाइन करना हो वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी देखिए, मैं YouTube पर 2 प्रश्न की जो ड्राफ्टिंग है मैं डेली देता हूँ, ठीक है, इतना समझिएगा, और वहाँ पर 4 क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग आपको डेली मिलती है। ठीक है, नोट्स भी मिलते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ होती है संडे को और बुधवार को, ठीक है, वेंसडे को। तो जो जिसको जिस व्यक्ति को भी ज्वाइन करना है, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, और डिफेंस ऑप्शनल का भी एक व्हाट्सअप ग्रुप चल रहा है, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है। चलिए आगे देखते हैं
आज का प्रश्न सेकंड दूसरा प्रश्न है ये, जीएस फोर्थ पेपर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 132 है, ठीक है। और 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं, पर्यावरण नीति शास्त्र क्या है, इसमें शामिल मुद्दों को स्पष्ट कीजिए, प्रश्न ये है, ठीक है। पर्यावरण नीति शास्त्र है क्या? सबसे पहली चीज़ ये है कि पर्यावरण नीति शास्त्र जो है वो एक दर्शन का भाग है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो मानव है प्लस गैर मानवीय दुनिया है, जो हमारे जीव जंतु पर्यावरण में जितने लोग रहते हैं उन सभी लोगों का किस तरीके से, देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा जानवर है या कोई पशु पक्षी है, वो तो अपने अकॉर्डिंग ही यूज़ करता है ना, उसको तो वो कभी किसी चीज़ों का विनाश नहीं करता है। तो यहाँ पर पर्यावरण नीति शास्त्र मनुष्यों के लिए बताया गया है, मनुष्यों प्लस जो गैर मनुष्य हैं सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि आप पर्यावरण को किस तरीके से, किस नैतिकता के साथ में आप उपयोग करते हैं, ठीक है। कि जैसे हमें वनों को काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, ठीक है। अगर हम पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपना ही विनाश कर रहे हैं। तो यहाँ पर नैतिकता के साथ में, नैतिक रूप से आप लोगों को यही बताना है कि जैसे जो पेट्रोल वाहन है, लोग जानते हैं कि ये चीज़ एनवायरनमेंट को गलत करेगी, लेकिन फिर भी वो कार्य कर रहे होते हैं। तो पर्यावरण नीति शास्त्र इन्हीं चीज़ों को मना करता है या करने से अलग करता है कि जो भविष्य है, भविष्य में आपके जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए एक अच्छा वातावरण आप छोड़ें, और जो एक नैतिकता के साथ में जिस अच्छी तरीके से आप पर्यावरण को यूज़ कर सकते हैं उस तरीके से आप लोगों को यूज़ करना है, और भविष्य के लिए, एक भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए आप एक अच्छे पर्यावरण को छोड़कर जाएं, ठीक है। और जो पर्यावरण नीति शास्त्र है इसमें और क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे प्रजाति विलुप्तता होती है, प्रजाति विलुप्तता का क्या अर्थ है? अर्थ यही है कि हमारे यहाँ जो धरती है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर बहुत सारी प्रकार के जानवर, जीव जंतु, पशु, इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, मनुष्य को छोड़कर अन्य सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं पृथ्वी पर, ठीक है। तो उनका एक धारणीय उपयोग करना पर्यावरण के अनुसार, ऐसा ना हो कि पर्यावरण को हम अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपनी सोच पर लगाम भी नहीं लगा रहे हैं, तो ये सारी दिक्कतें जो पर्यावरण नीति शास्त्र है वो इन चीज़ों को मना करता है। और क्या है कि जैसे एक तो हो गई हमारी पृथ्वी, एक हो गया अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष के भी जो पर्यावरण है उसका भी धारणीय उपयोग करना। अब जैसे चाइना है, चाइना वर्तमान में बहुत सारे, चाइना है, इंडिया है, यूएसए है, रशिया है, ब्रिटेन है, तो ये सारे देशों की जो एजेंसीज हैं, ठीक है, अंतरिक्ष स्पेस एजेंसीज हैं, तो ये लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद अब अंतरिक्ष में भी ई कचरा होने लगा है जो वहाँ के एनवायरमेंट को गलत तरीके से प्रभावित कर रहा है, ठीक है, प्रदूषित कर रहा है वहाँ के इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पर बात यही होती है कि जो पर्यावरण नीति शास्त्र है, जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ों पर एक नैतिकता के साथ में आप उसको उपयोग करें, ये चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं पर्यावरण नीति शास्त्र के अंतर्गत। अब देखिए इसमें बहुत टाइप के मुद्दे आते हैं कि जैसे इसमें बताया जाता है कि पर्यावरणवाद, पर्यावरणवाद का यही मतलब है कि जो मानव है और गैर मानव है ये किस तरीके से पर्यावरण के प्रति बिहेव करते हैं या उस पर आश्रित रहते हैं। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं आंतरिक मूल्य, जैसे आंतरिक मूल्य आपके जो गैर मानव हैं, गैर मानव का मतलब ये हो गया कि जो आपके पशु पक्षी पेड़ पौधे और जो भी जीव हैं, मानव भी एक जीव ही है लेकिन जो प्रजाति है वो कही जाती है मानव की है, बाकी देखिए पशु पक्षी और सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो पर्यावरणवाद में यही चीज़ें बताई जाती हैं कि पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, ठीक है, दोनों के द्वारा, ये आपका मानव और गैर मानव दोनों के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या एक मुद्दा शामिल होता है कि अगला मुद्दा शामिल होता है कि जैववाद, जैववाद का मतलब होता है कि जैव विविधता,
को संरक्षित करना, इसका अर्थ क्या है? जैसे जो हमारे पशु हैं उनके भी अधिकार हैं, सब कुछ है, तो हमें उन्हें उनके अधिकारों के अनुसार ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। और पर्यावरण का संरक्षण, ये तीन चीज़ें आपके जैववाद में आती हैं। जैव विविधता का अर्थ यही है कि जैव विविधता में सभी प्रकार की विविधताएं आ जाती हैं, कि हमारे यहाँ पशु पक्षी जीव जंतु मछलियाँ और जितने भी जीव हैं, जलीय जीव हैं या स्थलीय जीव हैं, तो ये सभी लोग जैव विविधता को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जैव विविधता का हमें संरक्षण करना है, ठीक है, यही चीज़ जैववाद में बताई जाती है। नरजातिवाद का क्या मतलब होता है? नरजातिवाद का यही मतलब होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो मानव जाति है वो केंद्र में आती है। केंद्र का मतलब यही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, धरती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, पृथ्वी, अर्थ है। अब अर्थ पर सबसे जो केंद्रित चीज है या सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है वो है मानव, इंसान, ठीक है। अब यहाँ पर जो निर्जातिवाद बात होती है तो वो इसी बात पर होती है कि जो व्यक्ति है वो मानव जाति के केंद्र में है, ठीक है, वही सारी चीज़ों को क्रियान्वित करता है। अब जैसे यूएसए में अश्वेत लोगों के खिलाफ में कुछ मतलब अत्याचार काफ़ी किए गए, ठीक है, तो यहाँ पर निर्जातिवाद का मुद्दा वो पर्यावरण से संबंधित था, ठीक है। तो यहाँ पर मानव जाति क्या है, सबसे पहले मानव जाति केंद्र में आती है, ठीक है, मानव जाति ही केंद्र में रहती है और बाकी सारी चीज़ें आपकी साइड रहती हैं, ठीक है, क्योंकि मानव जाति ही सभी चीज़ों को क्रियान्वित करती है, ठीक है। अगला क्या है कि आंतरिक मूल्य, तो आंतरिक मूल्य का मतलब यही है कि जैसे देखिए जो व्यक्ति है व्यक्ति के भी आंतरिक मूल्य हैं और जो पशु हैं पशु के भी आंतरिक मूल्य होते हैं, तो यहाँ पर दोनों लोगों के आंतरिक मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जो पर्यावरण का नीति शास्त्र है उसको इंगित करने में, उसको बताने में ये आंतरिक मूल्य बहुत ही अहम भूमिका को निष्पादित करते हैं। और क्या है कि संरक्षण नीति शास्त्र, संरक्षण नीति शास्त्र यही होता है कि आपको पूरे पर्यावरण का संरक्षण करना होता है, ठीक है, जो भी आपका पर्यावरण है उसको आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये आपका पर्यावरण नीति शास्त्र में आता है, ठीक है। पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका जल हो गया और आपकी मिट्टी हो गई, पेड़ पौधे जीव जंतु, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, संरक्षण में आती हैं, जो संरक्षण नीति शास्त्र है जिसमें पर्यावरण का संरक्षण कहा जाता है। और क्या है कि पर्यावरणीय न्याय, पर्यावरणीय न्याय का क्या मतलब है? पर्यावरणीय न्याय का यही अर्थ है कि जो पर्यावरण की स्थिरता है और मानव किस तरीके से उसको उपयोग करने में प्रतिबद्ध है, तो यही आपकी पर्यावरणीय न्याय होता है कि आप पर्यावरण को मानव और जो एक स्टेबिलिटी है, तो उन दोनों चीज़ों को जो मानव है और जो स्थिरता है दोनों परस्पर मिले हुए हैं, झुकाव है, और इन्हीं के एवज में या इन्हीं की वजह से जो मनुष्य है, अगर मनुष्य अच्छी प्रतिबद्धता के साथ में पर्यावरण का एक न्यायपूर्ण उपयोग करेगा तो अगली पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण बचेगा, नहीं तो पर्यावरण सभी को नष्ट कर देगा। आप भी जानते हैं अगर हम लोग जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण को और नुकसान करते चले गए तो अंततः हमें पर्यावरण ही नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, और नुकसान ऐसा पहुंचाएगा पूरी की पूरी मानव जाति ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और क्या अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि परिचारकता, परिचारकता का क्या अर्थ होता है? परिचारकता का अर्थ यही है कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, जो धरती है, धरती का मालिक कौन है? ईश्वर है, ठीक है, धरती का मालिक कौन है? ईश्वर है। लेकिन मानव क्या है? मानव इसका ईश्वर नहीं है, मानव इसका संरक्षक माना जाता है।
तो यहाँ पर यही चीज़ बताती है कि मनुष्य को एक संरक्षक की भांति में चीज़ों को उपयोग करना चाहिए, उनको संरक्षित करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, केंद्र में ही कौन सा आता है? आपके मानव ही आते हैं, ठीक है, ह्यूमन आते हैं। तो यहाँ पर परिचारिकता में यही बात कही गई है कि जो नीति, जो पर्यावरण नीति शास्त्र है, इतने डायमेंशंस में जाती है, इतने मुद्दों से संबंधित होती है, और किन किन चीज़ों में यह बताई जाती है, उन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। और दोस्तों, इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं, कुछ पॉइंट्स अगर आपने भी पढ़े हों कहीं से भी, तो आप लोग इस मतलब इस प्रश्न में ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद आप लोग एक बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं। लिखने के बाद, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस नंबर पर आप लोगों को सेंड करना है, और मेरे पास जो भी उत्तर आते हैं, मैं पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है, ठीक है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर सारे के सारे उत्तर आप लोग देख सकते हैं। दूसरों के उत्तर देखना, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं, और दूसरों के उत्तर देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर एक एक पॉइंट्स भी अगर आप दूसरों से सीखते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। और डेली आंसर राइटिंग आप लोग करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग करते रहिए। और नहीं आप ज़्यादा कर सकते, आपका मन नहीं लग रहा, तो कम से कम आप दो प्रश्न तो डेली लिखिए ही, दो प्रश्न आप लोग डेली लिखिए, और भी प्रश्न लिख सकते हैं, 10 12 जितने भी आप लिख सकते हैं डेली आप लोग लिखिए। और आंसर राइटिंग दोस्तों आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, और अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। जिस समय आपका पीटी में हो जाएगा, फिर उस समय आपके पास कम समय भी रहेगा, और ये लेखन क्षमता है दोस्तों, ये धीरे धीरे, कहते नहीं है कि जो जो भी चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे ही आती हैं, ठीक है। आप अगर कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आप एक दिन में ही परफेक्ट नहीं बनते, परफेक्ट तो कभी भी नहीं बनते, लेकिन हाँ ये है कि आप मेंस में क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए, और प्रश्न को लिखिए, लिखने दोनों प्रश्नों को लिखने के बाद आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए, ठीक है। जीएस का और डिफेंस ऑप्शनल का ग्रुप चल रहा है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति को भी ज्वाइन करना हो, वो कंपलसरी नहीं है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति को भी अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना हो, वही लोग ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, और लिखते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आप लोगों से बार बार इसीलिए बोलता हूँ, अपना मानता हूँ इसीलिए है, ठीक है। और जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग से, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आज से और अभी से लिखना स्टार्ट करिए। कुछ लिखिए, गलत लिखिए, सही लिखिए, कुछ तो लिखेंगे ना एक दिन में। अगर आपको लगता हो, बहुत से लोग कल पेन उठाते होंगे, कलम नहीं चलती होगी, तो क्या होता है, आप डरिए नहीं, आप लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए, गंदा लिखिए, किसी भी राइटिंग में लिखिए। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से सीख कर आता है, सब लोग यहीं सीखते हैं, और जो लोग सीखते हैं, सीखना ही बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। जिस दिन से आपका सीखना बंद हो गया, उस दिन से सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, ठीक है। तो डेली सीखिए, थोड़ा थोड़ा करके ही सीखिए, लेकिन डेली सीखिए और डेली लिखिए आप, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।